जी बड़ी अम्मी, पहली आवाज सुन लिया कर मेरी। हाँ जी बताएं। वीडियो ऑन कर जा, मोबाइल लेके आ, मैंने एक वीडियो बनानी। क्या वीडियो बनानी है? एक तुझे हर बात बतानी जरूरी नहीं है, तू फोन लेके आ। अच्छा ना बता दे। अरे वो जो आजकल न्यूज नहीं चल रही, बड़े हॉट टॉपिक चल रहा, वो जो इंडिया के अंकल ने पाकिस्तानी लड़की को दिल दे दिया। ओहो बड़ी अम्मी, गलत बात ना करें, दिल नहीं दिया, दिल डोनेट किया है, अतिया किया है। तो मैं भी वही कह रही, तू जू मानी लेके जा रही बात को। देखा, पता था तेरी सोच गंदी और खटिया ही है। नहीं बड़ी अम्मी, वो डोनेट किया है, अतिया किया है। तो आप तो दिया तो है ना दिल, तो उसमें मैंने वीडियो बनानी, तो जल्दी से फोन ऑन। अच्छा चले, मेरी वीडियो ऑन है, आप बोले बोल तो स्टार्ट कर। अस्सलामुअलैकुम तमाम नाज़रीन और सामईन, मैं बड़ी अम्मी, जानते तो होंगे आप। अच्छा जी, मुझे मालूम हुआ मेरे भारतीय वासियों और मेरे पाकिस्तानी भाई बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मुझे मालूम हुआ कि हेडलाइंस पे न्यूज़ की चल रहा था कि एक भारतीय ने, यानी एक इंडियन अंकल ने, एक इंडियन आदमी ने जो है पाकिस्तानी आयशा नामी लड़की को दिल डोनेट कर दिया, दिल दे दिया। ठीक है, उस और जिंदगी बचा ली बच्ची की। तू मेरी फुटेज क्यों खा रही? अच्छा, उस बच्ची बेचारी की जिंदगी बचा ली, उसको दिल दे दिया, वो बच गई सेहत सलामती के साथ। लेकिन अभी उस बंदे का मुझे इतना मालूम नहीं। तो इस पे मैं ये कहना चाहूँ थी कि मैं तो हमेशा से भाई एक ही पैगाम दूँ कि इंडिया पाकिस्तान सिर्फ एक सरहद के बलबूते पर अलग अलग है, दिल उनके बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही जुड़े हुए हैं जैसे पार्टीशन से पहले जुड़े हुए थे। मेरा तो भाई यही मशवरा है कि अमन से चलो, प्यार से चलो। देखो अभी भी लोग हैं जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे का एहसास है उनके दिल में। और भाई इसी बहाने अगर ये लड़ाई झगड़े सरहदें ख़त्म हो जाएं तो हम भी जाएं अपने मुरादाबाद, जाके देखें अपनी हवेली, अपने पुदीने के बाग, अपने हाथी। उफ बड़ी अम्मी, वहाँ हाथी खड़े होंगे क्या आप 80 साल बाद? एक दो तो खड़े हो सकते हैं ना। कहाँ से बड़ी अम्मी, उसके बारे में बात करें आप। अच्छा करती हूँ, तू मेरी फुटेज ना खा। अच्छा मैं ये कहना चाह रही कि उन आदमी, उन भाई, उन अंकल ने दिल दे के हम पाकिस्तानियों, हम सब का दिल जीत लिया। हम आपको झोली भर भर के दुआएं देते हैं। और जो डॉक्टर्स ने इतनी मेहनत की, इतनी तरफ कर कैमरा खुद बोल ले। नहीं नहीं बड़ी अम्मी, गुस्सा नहीं, नहीं अब तू बोल भाई। आइडिया दे रही थी मैं, आइडिया दे रही बड़ी, तू कंटेंट क्रिएटर आई। अच्छा ना, थक गए मेरे बाजू, जल्दी बोल ले। मैं ये कह रही कि डॉक्टर और उस भाई ने जो भी हमारी मदद की, हमारी बच्ची की मदद की, दिल दिया, दिल लिया, लेन देन जो भी किया, ये हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे दिल को भाया। हम पाकिस्तानी तमाम आपको झोलियां भर भर के दुआएं देते हैं। और मैं खसूसन बड़ी अम्मी ये दुआ करती हूँ कि भाई अमन हो, ये दुनिया में जो लड़ाई झगड़े हो रहे, ये जंगे हो रही, ये ख़त्म हो, अमन हो, सरहदें ख़त्म हो, जो इस तरफ के दिल हैं और इस तरफ के दिल हैं वो आपस में मिल जाएं और हम एक यकजहद मुल्क बन के रहें। और बस मैं ये तो यही कहना चाहूँ। और आप बड़ी अम्मी इंडिया जाएं और शाहरुख खान से मिलें। तू जो मिलना चाह रही ना आर्यन खान से। बड़ी अम्मी आपको कैसे पता चला? ऐसा पर शाहरुख खान जो तुझे मेरा याद आया, ऐसे तुम इन मतलब के तो बात करे ना, अपनी अम्मा के खानदान से है। बड़ी अम्मी आप कितनी चलाके। अच्छा आप वीडियो बंद कर दो। चल बंद कर, दिखा कैसी आई, फिल्टर लगा के किया था ना। अच्छा कह देना सरहदें खत्म हो जाए ताकि हम भी जाएं। हाँ भाई सरहदें खत्म करो, हम भी इंडिया घूमे, आगरा घूमे, दिल्ली घूमे, मुंबई घूमे, बड़ा मजा आए। तुम भी हमारे पाकिस्तान आओ, कोई टेंशन टूंशन नहीं लो। कैसी बात।